हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? होप करती बहुत बहुत अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग के जस्ट 7 o'clock हो रहे हैं और आज मेरे बैकग्राउंड में आप कुछ नया सा देख रहे होंगे ना। तो इस वक्त मैं आई हुई हूँ अपने गांव, अपने ससुराल में, ठीक है। तो अभी जस्ट सो के उठे ही हैं, सो के मतलब उठे हैं तो बहुत देर से बिस्तर से बाहर निकली हूँ। मैं जा रही हूँ अपने थायराइड की दवाई खाने, देखिए ठीक है। और वीनू अभी सो रही है। उससे पहले आगे व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले क्या क्या होने वाला और क्यों आया वो सब बताने से पहले मैं आपको जरा पहाड़ के सुंदर सुंदर जो है ब्यूटीफुल व्यूज दिखाती हूँ, वो पहाड़ों की एक खासियत होती है कि जब भी घरों में पूजा पाठ होती है या कोई भी ऐसा धार्मिक काम होता है, अच्छा काम होता है, शुभ काम होता है, तो अपने देहली को इस तरीके से गोबर और मिट्टी से लीपा जाता है। और ये सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं, हमारे यहाँ, हम दिल्ली में रहते हैं तो हम लोग भी करते हैं। तो हम लोग पोछा वोछा लगा के फिर उस पर फूलों को रखते हैं अपनी देहली पे। लंबी होके जाएगी गाँव से, लंबी होके जाएगी क्या? मैं क्यों करूँ? तू लंबी हो, मैं पहले ही लंबी हूँ। एक्सरसाइज करूँ? अब वो दीदी कर रही है, दीदी कर रही है एक्सरसाइज। इस वक्त मैं जहाँ पे हूँ और ये है हमारी चाची जी का घर, जो कि हमारे घर से ऊपर की तरफ पे है। तो मैं इस वक्त चाय बना रही थी केतली में, कुछ अपने स्टाइल की चाय, जो कि जैसी मैं पीती हूँ, तो वो चाय मैं बना रही थी। सुबह सुबह जब पहाड़ों पे सूरज की किरणें पड़ती है ना, ये सुबह आई थिंक अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम होगा, और कितनी तेज़ धूप हो रही है, तो वो मैं आपके साथ शो कर रही हूँ कि कितना सुंदर जो है व्यू आ रहा है। जो पहले व्यू आपने देखा वो हमारे घर से था, जो कि जो मेरा खुद का घर है गाँव में, वहाँ से था। और ये हमारी चाची, मेरी चाची सास है, जो कि ऊपर हमारे घर से थोड़ा ऊपर की तरफ रहते हैं, वो उनके घर से व्यू है। और यहाँ पर एज़ यूजल जो जल रहा है पहाड़ी गीज़र में पानी गर्म हो रहा है, जैसे सबको पता है कि यहाँ पर कंटर वगैरह में पानी गर्म होता है, इस तरह पूरा घना जंगल टाइप का है। तो हम किस लिए गांव आए हैं अब मैं वो आप लोगों के साथ खुलासा कर दूं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सब लोग बैठे हुए, पंडित जी वगैरह और सब लोग बैठे हुए, ये आटे से कुछ बना रहे हैं। तो ये खास प्रकार का आटा है जिससे बनाए जा रहे हैं 1100 करीबन शायद शिवलिंग। और ये छोटे छोटे जो मेरी ये हल्द्वानी वाली चाची कर रहे हैं और हस्बैंड कर रहे हैं, ये छोटे छोटे शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। तो हमने करवाया था गाँव में शिवार्चन, यानी कि शिव, आप एक तरह से बोलते हैं शिव जी का अभिषेक बोल सकते हैं, हमारे पहाड़ियों में तो वार्चन बोला जाता है, तो वो हमने करवाया था। तो उसके लिए यहाँ पे जिन लोगों ने फास्ट रखा हुआ था, सिर्फ वही लोग इन बोलते हैं ना शिव छोटे छोटे लिंग्स को बनाते हैं, तो वही इस वक्त हो रहा है यहाँ पे मनाया जा रहा। तो ये मैं आप लोगों को एक करके दिखा रही हूँ किस तरीके से बना हुआ है ये। तो शिवार्चन को दूसरे नाम शिव पार्थिव पूजा से भी बुलाया जाता है। और जिस आटे की मैं बात कर रही थी, इसको बोला जाता है साल का आटा। इसके चावल होते हैं, खास तरीके के चावल होते हैं, बहुत जैसे आपने किसी ने देखा हो सिंगाड़े का आटा या बोलते हैं ना कुट्टू का आटा, कुछ उस टाइप का ही आटा होता है। इसको इसकी रोटी वोटी बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। और वैसे ये आटा जो है खाया नहीं जाता, ये खाने के लिए नहीं होता, ये सिर्फ पूजा के लिए ही आटा होता है। और कॉस्टली होता है इसका चावल जो होता है, चावल का आटा बनता है ये। तो इस तरीके से शिवलिंग आप बीच में दे सकते हैं और साथ में देख सकते हैं ये 1100 पे जो है पिंडियां हैं, जिसमें आपको कार्तिकेय भगवान, गौरा माता और गणेश भगवान, उनका भी स्वरूप जो कि पंडित जी ने बना के इस परात के अंदर आटे से रखा था। और ये रहा हमारा मंदिर जो कि इतना सुंदर सजा हुआ है। फोटो खींचने के लिए इनके साथ बैठना पड़ता है। दोबारा तो ये ले बैठो बैठो सब बैठो। ज्यादा फैल गया था तुम्हें तो? ना ना आमसा आमसा सब आम जहाँ जाओ जहाँ तरह हो गए अब
बस यार देखे नहीं हूँ सब आ गए भर दो पूरा भरो पूरा भरो ये श्री शंकर पर छोड़िएगा और भरो यहाँ पर डाल दे ओम गणानन्त्वा गणपति गं हवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपति गं हवामहे निधीनन्त्वा निधिपति गं हवामहे वसो मम आहमजाशिखरबद्धं मम गायत्री सुष्ठुभजगत्यानुशुभवङ्क्यासः बृहत्सृणीहाकपुसौ चैभिः समयन्तु त्वा कथथैवेति गौरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तनमे तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु सहस्र शीरखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि गुं सर्वतत्वित्वा तत्तिष्ठ दशांगुलम पुरुख एवेद गुं सर्वं यद्भूतं यच्च वाव्यं हुतामृततसैसानो जदन्ने नातिरोहति मातो जायाश पुरुखा पादोश विश्वभूतानि त्रिपाद महाव्यक्ताय नमः अनंताय नमः भरहराय नमः हराय नमः सहस्राक्षाय नमः तारकाय नमः हराय नमः सहस्रपदे नमः परमेश्वराय नमः स्थिराय नमः स्थावणे नमः प्रभवे नमः ले मैंने कैमरा ऑन किया बंद हो गया ये मम्मी को पैसे नहीं देती है तो फिर दो पैसे दो मैगी खाऊंगा मैं मैगी खाऊंगा पैसे देगी तभी तो लाऊंगी दे मेरे को दे मैं लेकर आऊंगी नमस्कार किसी का बचरा खा रखा आती कुछ तू जानते बोलूँ वो आता इतना ज्यादा लागू उठा लागू नहीं हुआ नमस्ते अरे तेरे को नमस्ते करना आशीर्वाद देना भाई ना अरे नहीं को सिक्का कहाँ ले आऊँ साफ ही नहीं आ रही
इधर आ यहाँ आप लोगों को ये जरूर होगा कि हम लोगों ने स्वेटर क्यों पहनी है। एक्चुअली दिल्ली में तो गर्मी हो गई थी जब हम गांव गए थे, पर गांव में काफ़ी ज़्यादा जो है ठंड थी। तो देख लो मैंने विनू को यहाँ तक कि टोपी वगैरह सॉक्स वगैरह सब कुछ पहना रखा, और अभी जो करंट टाइम चल रहा है दिल्ली गाँव में अभी भी स्वेटर वगैरह लोगों ने पहन रखे, क्योंकि पहाड़ों में रहते हैं ना सब, तो पहाड़ों में तो ठंड है ही। Thank you.